Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with our environment lecture series, this is lecture number 4th. तो हमने तीन लेक्चर ऑलरेडी एनवायरनमेंट के कंप्लीट कर दिए हैं. जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पहले आप वो लेक्चर ज़रूर देखें, देन आपको ये बेटर समझ में आएगा. ठीक है, तो आज जो हमें टॉपिक स्टार्ट करना था वो था फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. ठीक है, हमने कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम देख लिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डील विथ व्हाट? वी आर गोइंग टू डील विथ फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम. चलिए तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम से. देखिए, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम में तीन फंक्शंस हैं जिनको हमें डील करना है. पहला है इकोलॉजिकल सक्सेशन, सेकेंड है एनर्जी फ्लो, थर्ड है न्यूट्रिएंट साइकिलिंग. ठीक है, जिसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स भी कहते हैं. ठीक है, तो एक एक करके फंक्शंस लेंगे. तो आज हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन से. चलिए, सबसे पहले ये इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है. ठीक है, बहुत डाउट आता है लोगों के बीच में, पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. देखिए, प्रोसेस बाय विच कम्युनिटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज इन एन एरिया आर रिप्लेस्ड एंड चेंज्ड इनटू अनदर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, मतलब जो प्लांट्स एनिमल स्पीशीज की कम्युनिटीज थी, विद द टाइम वो चेंज हो जाए. ठीक है, या तो रिप्लेस हो जाए, उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन. अब मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा. लेट अस सपोज, देखिए दो टाइप का लेते हैं. ये कोई बेयर एरिया है, बेयर एरिया जहाँ पर लाइफ नहीं है, ना वहाँ प्लांट्स है ना स्पीशीज है, एकदम खाली चीज़ है. ठीक है, उसे बेयर एरिया कहते हैं. और मान लीजिए वहाँ पर बहुत सी स्टेजेस होती हैं, धीरे धीरे करके डेवलपमेंट्स होती हैं और आगे चल के वहाँ पर एक इकोसिस्टम डेवलप करता है. ठीक है, तो ये बेयर एरिया से लेके आप देख रहे हैं ना, फुल इकोसिस्टम बन गया, प्लांट्स एनिमल सब कुछ आ गए. तो इस पूरे चीज को अपन क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन. देखिए, मैंने लिखा सीरीज ऑफ स्टेजेस नोन एज इकोलॉजिकल सक्सेशन. ठीक है, तो याद रखिएगा. देखिए, मैंने यहाँ डायग्राम से भी बता रखा है आपको, आप अगर साइड में देख रहे हैं तो मैंने यहाँ डायग्राम से बता रखा है. क्या, चलिए डायग्राम से पहले हम कुछ और देख लें, उसके बाद डायग्राम बेटर समझेंगे. देखिए, एक बात याद रखिएगा, इस बेयर एरिया में, जो बेयर एरिया था वहां पर एक स्पीशीज आएगी, जो फर्स्ट स्पीशीज होगी उसको हम कहते हैं पाइनियर स्पीशीज या पाइनियर कम्युनिटी. तो याद रखिएगा, फर्स्ट स्पीशीज इज नोन एज पाइनियर स्पीशीज और पाइनियर कम्युनिटी. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल आप पूछेंगे, सर कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, एग्जाम्पल है लाइकेंस का. ये याद रखिएगा, लाइकेंस किससे मिलके बनते हैं, एल्गी एंड फंगा. ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में भी, लाइकेंस कंसिस्ट ऑफ, तो याद रखिएगा एल्गी एंड फंगाई. तो ये पाइनियर स्पीशीज हो सकती है. अगला है मॉसेस हो सकता है या माइक्रोब्स हो सकता है. क्या, फर्स्ट स्पीशीज. ठीक है, और जो लास्ट स्पीशी होगी, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्पीशीज थी, फिर चेंजेस आए होंगे, रिप्लेसमेंट हुआ होगा, फिर उसका भी चेंजेस आया होगा, रिप्लेसमेंट हुआ होगा, तो ऐसे कंटिन्यूस चला होगा. जो लास्ट स्पीशीज आएगी उसको हम कहते हैं क्लाइमेक्स कम्युनिटी. व्हाट वी कॉल देम, क्लाइमेक्स कम्युनिटी. मतलब पाइनियर कम्युनिटी, फर्स्ट स्पीशीज, और जो लास्ट स्पीशीज रहेगी उसे कहेंगे क्लाइमेक्स कम्युनिटी. और इस पूरे स्टेजेस को क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन. चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ. देखिए, यहाँ मैंने लिखा है पाइनियर स्पीशीज, कोई एक फर्स्ट स्पीशीज डेवलप हुई, फिर स्टेज वन कुछ चेंजेस आए, फिर स्टेजेस टू कुछ और चेंजेस आते गए, फाइनली लेट अस सपोज ये है फाइनल स्टेज, तो उसको अपन क्या कहते हैं, क्लाइमेक्स. और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन, याद रखिएगा. ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं इसमें स्टेजेस में लिख रखी है, स्टेज वन टू थ्री ऐसे करके कितनी भी स्टेजेस हो सकती हैं. इन स्टेजेस को अपन क्या कहते हैं, तो स्टेजेस आर नोन एज सक्सेशनल स्टेजेस, या तो इनको सीरीज भी कहते हैं. तो याद रखिएगा, सीरीज या सक्सेशनल स्टेजेस क्या होती है, ये जो स्टेजेस होती है ना, जैसे ये मान लो ये एक स्टेज हो गई, ठीक है, फिर ये एक स्टेज हो गई, फिर ये एक स्टेज हो गई, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके इनको अपन क्या कहते हैं, सक्सेशनल स्टेजेस. तो याद रखिएगा, और पूरे प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन. चलिए आगे बढ़ते हैं, कितने टाइप्स के इकोलॉजिकल सक्सेशन होते हैं. दो टाइप के हैं, प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन. दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए प्राइमरी सक्सेशन का मतलब होता है कि ये जो स्टेजेस हैं, ठीक है, सबसे पहले जो स्टेज होगी वो होगी बेयर एरिया की. कौन सी एरिया की होगी, बेयर एरिया की, मतलब वहां कुछ भी नहीं था और फिर डेवलप हुआ फाइनली जाके क्या, क्लाइमेक्स. तो अगर ऐसे हुआ है, जो अभी मैंने आपको बताया भी, इसको कहते हैं हम प्राइमरी सक्सेशन, जहां पर अर्लियर देयर वाज नो लाइफ एग्जिस्टेड. ठीक है, तो सेकेंडरी सक्सेशन क्या होती है, वहां पर डिफरेंस ये है, देखिए पहले कुछ ना कुछ लेट अस सपोज लाइफ थी, ठीक है, फिर बीच में वो लाइफ डिस्टर्ब हो गई,
क्या हो गई, डिस्टर्ब्ड हो गई। कैसे, मान लो कोई फ्लड हो गया होगा या फॉरेस्ट फायर लग गई होगी, ठीक है, और फिर वापस नई स्पीशीज डेवलप हुई। तो यहां पर आप देख रहे हैं पहले से लाइफ थी, बेयर एरिया नहीं था। तो ऐसे सक्सेशन को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। मैंने लिख भी रखा है, अर्लियर लाइफ थी, फिर डिस्ट्रॉयड हुई फ्लड या फायर की वजह से, और फिर देन सक्सेशनल, देन सक्सेशन ऑकर्ड। तो इसे कहते हैं अपन सेकेंडरी सक्सेशन, तो याद रखिएगा। चलिए, तो ये थे अपना पहला टॉपिक, पहला फंक्शन इकोसिस्टम का, वो क्या था, इकोलॉजिकल सक्सेशन। चलिए हम अपने सेकेंड फंक्शन में मूव करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी फ्लो। ठीक है, देखिए एनर्जी फ्लो मतलब क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है एनर्जी का फ्लो हो रहा है यहां पर। तो देख सकते हैं डेफिनेशन, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर। ये मैं बता चुका हूं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर क्या होते हैं पिछले वीडियो में, याद होगा आपको। तो याद रखना, लेट अस सपोज प्लांट्स हैं, प्लांट्स को खाया रैबिट्स ने, रैबिट को खाया वुल्फ ने, वुल्फ को खाया टाइगर ने, तो ये जो है ना एक दूसरे को खा रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, तो मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नोन एज एनर्जी फ्लो। ठीक है, और ये जो एनर्जी है ये यूनिडायरेक्शनल होती है, मतलब सिंगल डायरेक्शन। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लांट्स ने खाया, फॉर प्लांट्स को खाया किसने, रैबिट ने, तो हम रैबिट से वो एनर्जी निकाल लें और वापस प्लांट्स में ऐड कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। डायरेक्शनल सिर्फ एक रहेगा, दैट इज यूनिडायरेक्शनल, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये एग्जांपल भी दे रखा है मैंने, देखो ग्रास, रैबिट, वुल्फ और लायन, तो आप देख रहे होंगे ये एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, अगली चीज अब यहां पर अपन देखते हैं, मैंने यहां पर लिखा हुआ अगला टर्म ट्रॉफिक लेवल, व्हाट आई हैव रिटन, ट्रॉफिक लेवल। तो ये ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, ठीक है, देखिए एनर्जी प्रोसेस फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अदर। अभी मैंने बताया ग्रास से एनर्जी किस पे जा रही है, जो रैबिट ने खाई, तो ग्रास जो था वो एक ट्रॉफिक लेवल था, रैबिट जो है वो दूसरा ट्रॉफिक लेवल है, ऐसे तीसरा ट्रॉफिक लेवल है, ऐसे चौथा ट्रॉफिक लेवल है। तो देखिए यहां पे मैंने 1, 2, 3, 4 भी लिख रखा है, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब ट्रॉफिक लेवल है। याद रखिएगा, एनर्जी पासिस फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू अनदर इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, यहाँ ग्रासेस वाला हो गया, ये रैबिट हो गया। ठीक है, समझ गए। अब ये जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, जो मैंने अभी आपको बताया, एक्चुअली एक ट्रॉफिक लेवल से जब आप दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एंटर करते हो, 1 से 2 में जाते हो, तो एक्चुअली एनर्जी रिड्यूस होती है। क्या होती है, एनर्जी रिड्यूस या डिक्रीज होती है। तो याद रखिएगा, एनर्जी लेवल ऑलवेज व्हाट, डिक्रीजेस। कितनी डिक्रीज होती है, ये अगला क्वेश्चन होगा आपका। तो मैं आपको कुछ पॉइंट यहां बताना चाहता हूं, एनर्जी डिक्रीजेस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, और ये जो एनर्जी लॉस होती है वो ऐसा हीट लॉस होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरी ट्रॉफिक लेवल पे फायदा नहीं, क्या हो, जितने बार वो फूड ईट हो रहा है एनर्जी उतनी ही कम होती जाएगी। ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अब देखिए ये डिक्रीज कैसे होती है, उसके लिए अपन को एक लॉ पढ़ना पड़ेगा, जिसे कहते हैं 10% लॉ, व्हाट वी कॉल देम, 10% लॉ। देखिए इसका ये कहना है, जितनी भी एनर्जी आती है उसकी सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है, बाकी सारी एनर्जी क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू ईच ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल। नीचे से ऊपर आप जा रहे हो तो सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इसे कहते हैं 10% लॉ। अब मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। लेट अस सपोज सन ने 1000 जूल एनर्जी किसको दी, प्लांट्स को, तो प्लांट्स को खाया रैबिट ने, तो 1000 जूल की 10% एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होगी, बाकी तो लॉस हो जाएगी 90%। तो इसका 10% कितना होगा, 100 जूल। तो 100 जूल रैबिट को मिली, अब रैबिट को खाया वुल्फ ने, तो रैबिट कितनी एनर्जी देगा सिर्फ वुल्फ को, सिर्फ 10%। तो 100 का 10% कितना होगा, 10 जूल। वुल्फ को खाया लायन ने, तो 10 जूल का 10% कितना होगा, 1 जूल। तो आप देख रहे हैं एनर्जी एज बढ़ती जा रही है तो उतनी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, इसको हम कहते हैं 10% लॉ, याद रखिएगा। ठीक है, अगला, अब ये जो एनर्जी फ्लो है इसको अपन 3 बेसिस से पढ़ेंगे, एक है फूड चेन, दूसरा है फूड वेब और तीसरा है इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, यहां पर फूड चेन और फूड वेब तो हम डिस्कस कर लेंगे आज, अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज इकोलॉजिकल पिरामिड, इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, फूड चेन आई थिंक आपने सुना होगा, फूड चेन होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप, एक ग्रुप से अदर ग्रुप को जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसे कहते हैं फूड चेन। जैसे कि ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया,
ग्रासहॉपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, स्नेक को ईगल ने, और जो एनर्जी ये ऑफकोर्स जा रहा है, एनर्जी कितनी जा रही होगी, 10% ही एनर्जी जा रही होगी। तो ये एक क्या हो गया, एक फूड चेन हो गया। बट क्या है? ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है फूड चेन? आई डोंट थिंक सो, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ग्रास को सिर्फ ग्रासहॉपर ही खाएगा क्या? नहीं, डियर भी खा सकता है, रैबिट भी खा सकता है, ठीक है। तो अगर हम फूड वेब को देखते हैं तो देखिए, ग्रास को ग्रासहॉपर भी खा रहा है, रैबिट भी खा रहा है, डियर भी खा रहा है। रैबिट और डियर को हो सकता है वुल्फ खा रहा हो। तो एक्चुअली कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, मतलब बहुत सारी फूड चेन इसमें दिख रही होंगी आपको। तो ध्यान रखिए कि इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, मतलब लॉट्स ऑफ फूड चेन एक साथ हो, एक्चुअल में ये अपन को सिस्टम में अपन को मिलता है। एक चीज को बहुत लोग हीट अप करते हैं, ठीक है, दिस इज नोन एज फूड वेब, ठीक है। तो यहां पर हमने फूड चेन और फूड वेब एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आगे हम जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। मैं जरूर थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहां पर रह जाएगा आज का, फूड चेन के टाइप्स भी होते हैं, ठीक है। तो विल डिस्कस द टाइप्स विद इन 2 मिनट्स और फिर हम उसका स्टार्ट करेंगे अपना क्या इकोलॉजिकल पिरामिड, जो हमारा थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी फ्लो का है और कोर टॉपिक है, याद रखिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करेंगे तो हमें पता चलता है कि आप वीडियोस को पसंद कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप इसके नोट्स ऑर्डर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।